सब्सक्राइब कीजिए टेक स्ट्रीमर यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आपका टेक स्ट्रीमर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, ओवर क्लॉकिंग विदाउट रूट, इस वाले टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, ऐसे कई सारे कॉमेंट आए मुझे। एंड यूट्यूब के ऊपर भी अगर आप जा करके अभी सर्च करते हैं ओवर क्लॉकिंग विदाउट रूट, तो आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी गए हुए हैं उन वीडियोज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स यार, आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है, ओवरक्लॉकिंग विदाउट रूट। आपको पता चलेगा कि ओवरक्लॉकिंग होता क्या है और क्या आप नॉन रूटेड डिवाइस के ऊपर ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। इसके साथ साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप अपने नॉन रूटेड डिवाइस के ऊपर भी अपने फ़ोन के परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले ओवरक्लॉकिंग की अभी इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों बढ़ गई है मार्केट में यूट्यूब के ऊपर, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग गेमिंग करते हैं और गेमिंग के ऊपर क्या होता है ना, हमारे फ़ोन के प्रोसेसर को अगर हम ओवरक्लॉक कर लें तो ऑब्वियसली गेम की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, हमारे फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और स्पेशली पबजी जैसे जो बड़े गेम हो गया ना, उसके लिए आपको एक अच्छा परफॉर्मिंग फ़ोन चाहिए होता है। अगर लो एंड डिवाइस के ऊपर आप खेलते हैं तो आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग करता है, फ्रेम ड्रॉप फेस करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप अपने फ़ोन के ऊपर ओवरक्लॉकिंग कर लेते हैं तो आपका फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग बन जाता है और आपके गेम्स वगैरह अच्छे से वर्क करने लगते हैं इवन लो एंड डिवाइस के ऊपर। ये ट्रूथ है, ओवरक्लॉकिंग से आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस बढ़ती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके फ़ोन के ऊपर मेन जो कंपोनेंट होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं आपके फ़ोन के ऊपर, रैम, जीपीयू एंड सीपीयू, जिसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। तो आपने सुना होगा स्नैपड्रैगन का नाम, मीडियाटेक या हीलियो का नाम, तो ये सारे प्रोसेसर के ब्रांड्स हैं और ये जो प्रोसेसर होता है ना, हम इन्हें ही ओवरक्लॉक करते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। ओवरक्लॉक का सिंपल सा यहाँ पे मतलब है प्रोसेसर्स के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना, उनके वर्किंग पावर को इंक्रीज करना, तो इससे आपका फ़ोन ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करने लगता है। अब बात आती है कि क्या आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं बिना रूटेड डिवाइस के ऊपर। इसका सिंपल और सच आंसर है फ्रेंड्स कि आप नहीं कर सकते हैं ओवरक्लॉकिंग बिना रूटेड डिवाइस के ऊपर। अगर आपको अपने फ़ोन के हार्डवेयर के साथ छेड़छाड़ करना है, अपने रैम के साथ, जीपीयू के साथ या सीपीयू के साथ कुछ चेंजेस करना है, छेड़छाड़ करना है, तो आपको रूट परमिशन चाहिए ही होता है। क्या है कि जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इस तरीके के फीचर्स को अपने फ़ोन के ऊपर नहीं प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स को, क्योंकि ऐसा करने से कुछ रिस्क भी जुड़े हुए हैं ओवरक्लॉकिंग से। सबसे पहला बात यह है कि आप अपने प्रोसेसर से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं और इसके वजह से क्या होता है, आपका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट होता है, आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है। इसे सबसे पहले तो यार बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है, बैटरी लाइफ इफ़ेक्ट होती है और इसके साथ साथ आपके फ़ोन के ऊपर प्रोसेसर डैमेज होने का भी प्रॉब्लम होता है, रिस्क होता है और जिसके वजह से आपका पूरा फ़ोन ख़राब हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क हैं ओवरक्लॉकिंग के। अगर आपका एक रूटेड डिवाइस है तो ऑब्वियसली आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ फिर वही प्रॉब्लम्स कभी ना कभी आपको फेस करनी पड़ेगी। अब बारी आती है दोस्तों उन वीडियोज़ के ऊपर जहाँ पर बताते हैं कि बिना रूटेड डिवाइस के ऊपर आप कैसे ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे यूट्यूबर्स कई सारे एप्लीकेशंस दिखाते हैं, ये मैजिक्स एप्लीकेशन है या फिर ये सीपीयू जेड एप्लीकेशन है, इसको यूज़ कर लीजिए, इसके ऊपर ये फीचर्स है, ये चीज़ें करनी है आपको एंड उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो ओवरक्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों, सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ तो ये सारे यूट्यूबर्स आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, क्योंकि आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते अपने प्रोसेसर के साथ, कुछ भी उसको ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हैं बिना रूटेड डिवाइस के ऊपर। आप दोस्तों मैजिक एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करके यूज़ भी करते हैं या फिर सीपीयू जेड अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उसको आप ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाता है, लेकिन सबसे पहले वहाँ पे आपसे सुपर यूज़र का परमिशन मांगा जाता है। सुपर यूज़र का मतलब एक रूटेड डिवाइस के ऊपर ही ये एप्लीकेशन वर्क करने वाला है। आप रूटेड डिवाइस के ऊपर ऑब्वियसली बहुत ही आसानी से ओवरक्लॉक कर सकते हैं प्रोसेसर को, लेकिन बिना रूटेड डिवाइस के ऊपर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और वो सारे वीडियोस आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स यार, उन सारे यूट्यूबर से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन को मत फैलाइए, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, कई बार उसको हज़ारों बार एप्लीकेशंस को आप रन करोगे एंड उसके बाद फिर आपका पूरा जो प्रोसेस होता है वो फेल हो जाता है,
तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो उन यूट्यूबर से सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि भाइयों इस तरीके की फेक वीडियोस मत बनाओ सिर्फ थोड़े से व्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई ओवरक्लॉक की बात, अब बारी आती है दोस्तों उस ट्रिक की जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो दोस्तों फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप अपने फ़ोन के परफॉर्मेंस को कुछ हद तक इंक्रीज कर सकते हैं, ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों कैसे करना है वो भी बता देता हूँ आपको। आपको सिंपल सा अपने फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाना है, इसके बाद आप नीचे आते हैं तो आपको डेवलपर ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर आपने इसको इनेबल करके रखा है। अगर नहीं करके रखा है तो आप अबाउट फ़ोन के ऊपर चले जाइए, इसके बाद यहाँ पे बिल्ड नंबर आपको मिल जाता है, उसके ऊपर आपको 7 बार टैप करना है और आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो आपको चले जाना है डेवलपर ऑप्शन के अंदर और यहाँ पे आपको सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करना है तो नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फोर्स GPU रेंडरिंग नाम का। तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इसके साथ साथ इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है फोर्स 4X MSAA नाम का, तो आपको इस ऑप्शन को भी इनेबल कर देना है। तो दोस्तों ये दो ऑप्शन होते हैं जो कि आपके GPU की एंड साथ साथ आपके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस को अगर आप इनेबल कर देते हैं तो ये दोनों ऑप्शंस क्या करते हैं, आपके फ़ोन के GPU को एंड साथ साथ आपके फ़ोन के प्रोसेसर को यानी CPU को थोड़ा सा फोर्स करते हैं कि थोड़ा और अच्छा वो परफॉर्म करे, उसके परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ओवरक्लॉक नहीं करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। तो अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को इनेबल कर देते हैं तो आपका फ़ोन जो है कुछ हद तक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है। मित्रों बस आपको यही बताना था कि ओवरक्लॉकिंग विदाउट रूट पॉसिबल नहीं है, इस तरीके की वीडियोज़ को देख करके आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओवरक्लॉकिंग विद रूट कैसे करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा। तो जिन भी लोगों का डिवाइस रूटेड है वो लोग ओवरक्लॉक अपने प्रोसेसर को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं एंड उनके लिए बहुत जल्दी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, जेन्युइन लगा टिप्स आपको, तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, इसके साथ इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अगली बार आपसे किसी नए वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।